मेमेलियन हार्ट या ह्यूमन हार्ट फोर चेंबर्ड है दो ऑरिकल्स दो वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स इन्हें एट्रिया भी कहेंगे और टू वेंट्रिकल्स अगर हम हार्ट को कंप्लीट बाहर से देखते हैं सो तो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप है और जो एपेक्स पार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड पे टिल्टेड रहता है और लोकेशन की अगर बात करते हैं लोकेशन ये चेस्ट कैविटी में है चेस्ट कैविटी और चेस्ट कैविटी में भी लेफ्ट लंग में एक स्लाइट डिप्रेशन है जिसे कार्डियक नॉच कहा था उसके अंदर ये लोकेटेड है चेस्ट कैविटी इटली ऑन लेफ्ट साइड साइज या वेट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स में इसका वेट अलग अलग है फीमेल्स में वेट इज टू एट सॉरी टू थर्टी टू टू एटी ग्राम्स है और मेल्स में ये टू एटी से थ्री फोर्टी ग्राम्स बड़ा है है इन केस ऑफ मेल्स साइज साइज में हम इसे सेंटीमीटर्स में भी बता सकते हैं बट इसे बताने के लिए एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है कि जो नॉन वर्किंग हैंड है उसके टाइट फिस्ट बनाते हैं तो ये टाइट फिस्ट का जो साइज है वो आपका हार्ट का साइज है सो नॉन वर्किंग इसलिए बिकॉज वर्किंग और नॉन वर्किंग हैंड के साइज में थोड़ा सा फर्क होता है जो वर्किंग हैंड होता है वो थोड़ा सा हार्ड या थोड़ा सा बिगर होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट नॉर्मली टाइट फिस्ट ऑफ नॉन वर्किंग हैंड बोलते हैं ऑफ नॉन वर्किंग हैंड ये इसका साइज है अब अगर हम बाहर से इसे देखते हैं तो एक ऐसा ट्रायंगुलर सा शेप हमें दिखेगा और ये जो इसका एपेक्स है ये एपेक्स पार्ट है ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है एपेक्स टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट बाहर से देखने पर हमें चार कंपार्टमेंट्स नहीं दिखते एक्चुअली सी दो डिप्रेशन कौन से दो डिप्रेशन दिखेंगे एक डिप्रेशन हमें यहां दिखेगा सो so, इससे यह समझ में आता है कि ऊपर वाले कंपार्टमेंट ऑरिकल है नीचे वाले वेंट्रिकल्स uh, वेंट्रिकुल इस डिप्रेशन को हम कहेंगे ओरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सल्कस सलसाई एंड गायराय हम वर्ड बात करते हैं सल्कस मतलब डिप्रेशन होता है और गायरस मतलब बल्ज होता है इसको हम इसका एक और नाम है इसे हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं यह सेपरेट करेगा ऑरिकल्स को और वेंट्रिकल्स को सो so बेसिकली बाहर से अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये वाला पार्ट ऊपर वाला ऑरिकल का होगा नीचे वाला वेंट्रिकल का होगा एक और डिप्रेशन हमें दिखता है और वो डिप्रेशन यहां पर है सो so, इस डिप्रेशन से ये समझ में आता है कि एक इधर वेंट्रिकल है और एक इधर वेंट्रिकल है सो so, इसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस सो so, बाहर से देखने पर ऐसे दो हमें डिप्रेशन दिखते हैं और पूरा हार्ट सराउंडेड है डबल मेम्ब्रेन से So, इसके आसपास एक मेम्ब्रेन है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं बट ये जो पेरिकार्डियम है इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स है एक मेम्ब्रेन जो हार्ट वॉल के कांटेक्ट में रहेगी और दूसरी मेम्ब्रेन जो बॉडी कैविटी में है सो so, जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं विसरल मेम्ब्रेन और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन मिलके जो कंप्लीट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना है उसे हम कहेंगे पेरी कार्डियम डबल मेम्ब्रेनस है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है इस फ्लूइड को हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड ये जो फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मली इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 15 एम के आसपास होती है फिफ्टीन मिलीलीटर्स होता है और पेरिकार्डियल फ्लूइड के जो फंक्शंस हैं नंबर वन ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा

और सेकेंड फंक्शन है यह शॉक एब्सॉर्बर की तरह भी काम करता है एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर सो अगर कोई मैकेनिकल इंपैक्ट इसके ऊपर आता है तो यह फ्लूड शॉक एब्सॉर्ब कर अब पूरे हार्ट को अगर हम ऐसे बाहर से देख रहे हैं कंपार्टमेंट्स हमें नहीं दिखेंगे दो ऐसे डिप्रेशन दिखेंगे एक ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में और दो वेंट्रिकल के बीच में एक बट पूरे हार्ट के ऊपर हमें कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स दिखती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हैं कोरोनरी कोरोनरी आर्टरीज़। ये कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। सप्लाई ब्लड टू वॉल ऑफ हार्ट हार्ट की जो वॉल है वो कार्डियक मसल से बनी है और ये कार्डियक मसल्स continuously काम करते हैं Embryonic स्टेज में हार्ट बन जाता है तब से लेकर डेथ तक ये मसल कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं सो so, इनके लिए एक कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई होना चाहिए और वो कोरोनरी आर्टरीज है सो so, ये बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं जो हमें ऊपर से ही दिख जाएंगी और इन्हीं आर्टरीज में कभी कभी ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं तो बायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक वो कंडीशंस आती हैं वो जब हम डिसऑर्डर्स पर आएंगे तब वो वाली चीजें करेंगे सो हार्ट ट्रायंगुलर है एपेक्स थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे टिल्टेड है साइज हमारी जो नॉन फंक्शनल हैंड या नॉन वर्किंग हैंड है उसका टाइट फिस्ट अगर हम बना लेते हैं तो वो साइज है वेट में डिफरेंस है फीमेल्स का जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लाइटर है वेट वाइज एंड मेल्स का हार्ट थोड़ा सा हेवियर हार्ट होता है बाहर से हमें सिर्फ एक मेमरेनस कवर दिख रहा है पेरी और हमें कुछ डिप्रेशन दिख रहे हैं और ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब अगर हम हार्ट को लॉन्जिट्यूडली कट करते हैं तो अंदर के कंपार्टमेंट्स हमें विजिबल हो जाएंगे वो वाला स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे